असलमैलिकम माई नेम इज़ मोहम्मद वक़ार एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया इट वॉज़ सच एन ओवरवेलमिंग एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मतलब मैंने हर एक कमेंट को पढ़ा है और मुझे इतनी खुशी है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स और यस आई एम बैक विद अनदर गुड न्यूज़ और ये गुड न्यूज़ आपके जॉब के, के बारे में नहीं है लेकिन ये गुड न्यूज़ मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि रिसेंटली आई वॉज़ इंटरव्यूड बाई माई यूनिवर्सिटी <laughs> तो मेरे लिए ये बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि पहले मैं सोच रहा था कि शायद इसके बारे में मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा लेकिन देन आई थॉट के यार लाइफ में ये छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं अगर आप इनको चेरिश नहीं करो अगर आप इनको शेयर ना करो तो ये खुशियाँ कहीं ना कहीं फेड आउट हो जाती हैं और ये मैं डेफ़िनेटली नहीं था चाहता क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपका इंटरव्यू होना और वो भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश होना आई थिंक इट्स ए ह्यूज अचीवमेंट और मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि अगर आप मेरा इंटरव्यू पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसको डेफ़िनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डालूंगा आप उसको पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा इंटरव्यू कैसा लगा और लेकिन आज मैं इसके बारे में थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा कि ये इंटरव्यू हुआ कैसे एक्चुअली नवंबर uh, में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मेरी जॉब वाली वीडियो में पहले तो अगर आपने जॉब वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर उसका लिंक है आप वो डेफ़िटली चेकआउट करें आप लोगों के लिए कोई ना कोई उसमें यूज़फुल टिप होगी तो अच्छा तो जैसे मैंने बताया था कि नवंबर में लास्ट टाइम मुझे जॉब मिल गई थी और जैसे ही मुझे जॉब मिली थी ना एक तो उसमें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैं मेरी अपनी छोटी थोड़ी, थोड़ी बहुत जो हार्डवर्क थी वो तो थी लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था मेरे टीचर्स ने वो क्या रोल था और जो भी था वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ लेकिन जैसे ही मेरा इंटरव्यू हो गया मेरा सिलेक्शन हो गया मैंने अपने प्रोफेसर्स को इन्फॉर्म किया कि आई एम सेलेक्टेड फॉर द जॉब और उनके बड़े पॉजिटिव से रिस्पॉन्स आए तो Uh, मैं ना इस बात को भूल चुका था अब भी रीसेंटली मेरा थी शुरू हुआ है मेरे uh, सेम प्रोफेसर के साथ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के फ़र्स्ट डे से ना एक ही प्रोफेसर के साथ इनकॉन्टेक्ट हूँ तो रिसेंटली मेरा इसके साथ थी शुरू हुआ है तो बातों बातों में उसने दोबारा मुझसे पूछा कब जॉब शुरू हो रही है ये वो तो मैंने इसको बताया तो उसने आगे आई डोंट नो हाउ वाई उसने यूनिवर्सिटी को इनफॉर्म किया और वन वीक को मुझे यूनिवर्सिटी ने अप्रोच किया कि दे वॉन्टेड टू इंटरव्यू मी और इंटरव्यू मेरा करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग माई कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग और हाउ दिस इंजीनियरिंग हेल्प मी टू गैट द जोब मुझे पता आप सबके लिए ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप मेरा इंटरव्यू पढ़ेंगे और मुझे बताएँगे कि कैसा था लेकिन इंटरव्यू में वैसे तो सारा इंटरव्यू कहीं ना कहीं कि आप किसी न किसी क्वेश्चन से कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन था इंटरव्यू का ये बड़ा मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन था कि व्हाट आर द टॉप थ्री एडवाइजेज़ डेट आई कैन गिव टू द स्टूडेंट्स जो कि न्यू आ रहे हैं नॉर्वे में स्पेशली इन यूनिवर्सिटी ऑफ तवंगा तो आई थिंक ये एडवाइस कहीं ना कहीं ना सब स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो न्यू आ रहे हैं या मे बी जो ओल्ड यहाँ पर हैं तो टॉप थ्री एडवाइज़ में जो फर्स्ट एडवाइस थी ना वो तो ये डेफिनेटली ये थी कि यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और शायद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस बात का आइडिया नहीं है और वो अपने प्रोफेसर से एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं रखते अब मैंने ये पॉइंट नंबर वन पे क्यों रखा और क्यों इसको इतना हाईलाइट किया क्योंकि द मोमेंट आई केम टू नॉर्वे मैं कोई इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था मैंने मैं एवरेज एवरेस्ट सा स्टूडेंट था और नॉर्वे आने के बाद शायद थोड़ा सा कल्चर शिफ्ट की वजह से थोड़ा सा और लैक करने लग गया था तो शुरू से ही मेरे प्रोफेसर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है हर चीज को लेकर स्टडीज को लेकर प्रोजेक्ट्स को लेकर और हाँ मैंने इंटरव्यू में मैंशन भी किया है कि मेरी यूनिवर्सिटी में समर जॉब भी की है मैंने यूनिवर्सिटी में आ, टी ए की जॉब भी की है और बाकी तीन चार जॉब्स की हुई हैं तो वो जॉब्स मुझे मिली भी क्यों क्योंकि मेरे प्रोफेसर्स मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे एंड दे नो कि कहीं ना कहीं दे हैव बिलीव इन मी कि मैं कर लूँगा शायद मुझे अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना मेरे प्रोफेसर मुझे ट्रस्ट करते थे और अगर आज उनका ट्रस्ट ना होता तो वो यूनिवर्सिटी की जॉब्स तो अपनी जगह शायद मुझे ये एक्नोर की जॉब भी ना मिलती तो आज मैं जहाँ भी हूँ जिस मुकाम पर भी हूँ ओबियसली अपनी इन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर्स के साथ साथ अपने जितने भी बैचलर्स की डिग्री है या मैट्रिक इंटरी के प्रोफेसर अभी भी मेरे साथ जो इन कॉन्टैक्ट हैं दे नो मी वेरी वेल well. और मैं उन सब का बहुत है दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अब तक सपोर्ट किया और दिस इज़ द रीज़न आई वॉन्ट यू कि आप अपने प्रोफेसर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग रखें क्योंकि नॉर्वे में प्रोफेसर मतलब इट्स नो देर इज़ नो गैप बिटवीन स्टूडेंट एंड प्रोफेसर प्रोफेसर हमेशा कोशिश करते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उनसे कम्युनिकेट करें या अगर मेरे केस में तो ये भी हुआ कि कभी कभी मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता था तो वो मुझे खुद ईमेल करते थे कि हाउ इज़ द प्रोग्रेस गोइंग प्रोजेक्ट कैसे जा रहा है तो मैं तो इस लिहाज से बड़ा लकी रहा हूँ अपने प्रोफेसर के लिहाज से भी कि उन्होंने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया है तो और एक जल्दी जल्दी जाते जाते लास्ट पॉइंट के जो तीसरे नंबर पर मैंने एडवाइस दी अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो वो एडवाइस है कि अपनी स्टडीज़ के अलावा आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें क्यों मैंने ये कहा है क्योंकि एक तो ऑब्वियसली आप थोड़े से प्रोडक्टिव हो जाते हो जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो डिप्रेशन थोड़ी कम हो जाती है दूसरा कि जब मुझे जॉब मिली थी तो उसकी एक रिक्वायरमेंट ये भी थी कि कैंडिडेट मस्ट बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ वॉलेंटियरिंग वर्क या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो ना सिर्फ ये आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा है बल्कि ये कहीं ना कहीं आपको जॉब में भी हेल्प uh, आउट करता है तो बस डेट्स इट ये एक छोटी सी खुशी थी ये छोटी सी न्यूज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा इंटरव्यू अच्छा लगा होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा है और अगर नहीं पढ़ा तो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू और रिकमेंड यू कि आप उसको पढ़ें और डेट्स इट फ्रॉम माई साइड मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल का कर सब्सक्राइब करें अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह